राहुल गांधी बोले, मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी। शहडोल में कहा, यहां मरे लोगों का इलाज होता है। भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को शहडोल के बिरोहारी में कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है, यहां मरे हुए लोगों का इलाज होता है। यहां बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। जो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो सड़ा हुआ अनाज आपको दे देते हैं। राहुल ने जातीय जनगणना कराने की बात को दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो पहला काम जातीय जनगणना कराने का होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर दूसरा एमपी का दौरा है। इससे पहले वे 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर भारत सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? आदिवासी अफसर 100 रुपए में से सिर्फ 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा अपमान नहीं होगा? पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में वनवासी कहते थे, अब वे आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है लेकिन दिल और दिमाग में वनवासी है। आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी, यानी वे लोग जो इस जमीन के मालिक थे, यहाँ पहले आए। वनवासी का मतलब है आपका जमीन पर हक नहीं बनता, आप जंगल में रहते हो। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है, आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी कारखाना गुजरात में नहीं मध्य प्रदेश में है। बीजेपी के इस कारखाने में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है, उनका पैसा चोरी किया जाता है। महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से चोरी की गई स्कूल यूनिफॉर्म, मिड डे मील के पैसों की चोरी की जाती है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।